वेल्डिंग की दुकान है क्या? पराठे की दुकान केशवराय पाटन रोड पर बूंदी रोड से मात्र 2 किलोमीटर दूर एक ऐसा अनूठा रेस्टोरेंट खुला है जहां पर आपको 32 प्रकार के पराठे अलग अलग स्वाद में और साथ में साठे की रोटी शुद्ध घी और मक्खन से निर्मित स्वादिष्ट भोजन जब खाएंगे तो ऐसा लगेगा कि आज से 50 वर्ष पूर्व किसी गाँव परिवेश में आ चुके हैं। दिन भर के तनाव भाग दौड़ भारी जिंदगी से दूर निकल कर टोल फ्री रेस्टोरेंट पहुँचते ही ऐसा लगता है जैसे तमाम तनाव दूर हो गया हो और जब भोजन करते हैं तो ऐसा लगता है यही पर रहे और भोजन करते रहे। टोल फ्री रेस्टोरेंट की डायरेक्टर पूजा ने बताया कि हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी दूर यहाँ पर हमें इतना रिस्पांस मिलेगा, लेकिन कोटा का एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने यहाँ आकर पराठा का स्वाद नहीं चखा हो। एक और युवा डायरेक्टर आफरीन खान ने कहा कि गाँव की महिलाएं हमारी कुक है, हम भोजन में प्रयोग किए जाने वाले तमाम सामग्री मसाला इस प्रकार है कि आपको शारीरिक रूप से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। दूसरे रेस्टोरेंटों में ऐसा देखा जाता है कि ग्रेवी बनाकर रख दी जाती है और 10 दिन तक वो ही ग्रेवी चलती रहती है। भोजन करते समय तो स्वादिष्ट लगती है लेकिन घर जाने के बाद तकलीफ ही तकलीफ होती है। हमने इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए गरम मसाला हटाते हुए उसी वक्त तैयार भोजन को परोसा जाता है। एक और निदेशक सुधीर तोतला ने बताया कि मेरी सोच थी कि लोग घर से बाहर निकले पूर्ण रूप से शांत चित होकर भोजन का आनंद लें, क्योंकि दिन भर की भागदौड़ बच्चों की पढ़ाई की टेंशन इन सब चीजों से दूर होकर जब लोग भोजन करें तो उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ स्वादिष्ट भोजन पर ही रहे। उन्हीं चीजों को हमने ध्यान रखते हुए इस रेस्टोरेंट को डिजाइन किया है। कोटा से 10 किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी वहां पर प्रतीक्षा करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि यह हमारी क्वालिटी शुद्धता देसी ठाट बाट के कारण है। टोल फ्री रेस्टोरेंट कोटा में पाटन रोड पर, अनूठा नाम अनूठा स्वाद। उन्हीं के डायरेक्टर से पूछते हैं कि वहाँ पर ऐसा क्या स्पेशल है कि लोग 10-10 किलोमीटर से दूर मावीनगर से विज्ञानगर से खींच कर वहाँ पाटन रोड पर जाते हैं और वहाँ पर भोजन लेते हैं और आनंद करते हैं। क्या स्पेशल है वहाँ पर? वहाँ पर काफ़ी कुछ स्पेशल है, जैसे वहाँ की कड़ी, वहाँ की चूरमे के लड्डू, धुंगारी छाछ, 20 से 25 तरह के पराठे हैं वहाँ पर। सारी चीज़ें हमारी चूल्हे पे बनती हैं और देसी थीम पे बना हुआ है। वो बना हुआ भी पूरा देसी और गांव की थीम पर ही है। आप आए तो वहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट माहौल मिलेगा आपको। जो चीज़ें बाहर बाकी रेस्टोरेंट्स में होती हैं वो चीज़ें नहीं है वहाँ पर। हम पूरा आपको गांव से टच करते हैं। और जी बताएं। हम शहर से लगभग 11 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं एरोड्राम चौराहे से। इसके अलावा फास्ट फूड वाले पिज़्ज़ा बर्गर इस ज़माने में हम पराठे और कुछ थाली, सांटे की रोटी, मक्का की रोटी, बेजड़ की थाली, जौ, ज्वार, बाजरा, चूरमे के लड्डू, देसी स्टाइल में लहसुन की चटनी, ये सब हम वहाँ पे बनाते हैं और ये सारी प्रिपरेशन हमारी चूल्हे पे होती है। गांव से महिलाएं आती है, हाथ से मिट्टी के तवे पे रोटी बनाती हैं। बिल्कुल गांव वाला माहौल हम लोग देते हैं। और यही मैं कहना चाह रहा था कि इस दौर में भी हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं और पिज़्ज़ा फायर पराठा हम बनाते हैं। मतलब हम पराठे में भी बच्चों का भी ध्यान रखते हैं। पराठों के मसाले हमारे यहाँ हाथों हाथ बनते हैं, पहले से बना हुआ नहीं रहता। दही हम खुद जमाते हैं। हमारी लहसुन की चटनी में सिर्फ लहसुन और रेड चिल्ली होती है, उसमें कोई टमाटर या वो प्याज ऐड नहीं होता है। और चूल्हे का फ्लेवर आपको हमारी मैक्सिमम चीज़ में आ जाएगा। जी आप बताएं क्या स्पेशल है? इस दौर पे सभी को अब थोड़ा फूड के लिए संभल के रहना पड़ता है और हम लोग बहुत देसी टोन पे खाना खिलाते हैं लोग बागों को। बिल्कुल चूल्हे की फीलिंग आती है आपको। आप कभी भी कोई भी रेस्टोरेंट पर खाना खाने जाते हैं तो आपको एक ग्रेवी की सब्ज़ी मिलती है, तो आप हमारे रेस्टोरेंट पर आइए, आपको ये चीज़ों से मुक्ति मिल जाएगी। और हम जो भी चीज़ देते हैं उसमें ना कोई ग्रेवी होती है, किसी भी चीज़ का मेवा, गरम मसाला, ये चीज़ें होती ही नहीं है। तो हम थोड़ा लोग बागों की सेहत को देखते हुए हम उनको बिल्कुल सादा और स्वच्छ खाना खिलाने की कोशिश करते हैं और ये कोशिश हमारी बरकरार रहती है। तीनों युवा हैं, मोदी जी का सपना था स्टार्टअप इंडिया और तीनों ने मिलकर एक बहुत कम लागत में भीड़ भाड़ वाली जो ज़िंदगी है लोगों की उसको थोड़ा दूर निकाला और एक सुख शांति के लिए बिल्कुल ग्रामीण परिवेश में एक रेस्टोरेंट प्रारंभ किया। और एक ही साल में देखते देखते पूरे कोटा में इनका नाम आज ज़बरदस्त चल रहा है और लोग जिस पूरे दिन भर की टेंशन दूर करने के लिए टोल फ्री रेस्टोरेंट पर जाकर भोजन करते हैं सब परिवार और सुख और शांति के साथ, बच्चों के साथ, पूरे परिवार के साथ आनंद और लुत्फ़ उठाते हैं।